बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्ट के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलियेटेड टू CBSE बोर्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद GT रोड शनि मंदिर के लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑडियो व्यू तो देर ना करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन। आसनसोल के कुमारपुर में वाका राज राजेश्वरी होटल में गोली चलने की खबर से मचा हरकंप। मकामी बाशिंदों का कहना है कि यहां हत्या हुई है, वहीं होटल की तरफ से बताया गया कि आत्महत्या का मामला है। लोगों ने होटल बंद करने की मांग पर एहतजाज किया। दानिश अजीज और सिराज राजदान ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस होटल में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। मरने वाले का नाम रोहन प्रसाद बताया जा रहा है, जो नेमतपुर का बाशिंदा है। वहीं उसके चचेरे भाई का कहना है कि वो एक लड़की के साथ होटल में ठहरा था। আমি বলতে পারবো কিছু শুনলেন না क्या हुआ था? घर से क्या बोल के निकला था? घर से बोल के निकला कॉलेज जा रहे हैं, उसके बाद वो कल से मिसिंग है, फोन कर रहे, फोन रिंग जा रहा है, फोन रिंग जा रहा है, फोन नहीं उठा रहा। आपको किसी पे शक है क्या? ठीक है, वो और उसके साथ में एक लड़की और थी। लड़की को पहचानते हैं आप? लड़की को हम नहीं पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे जमा, आधार कार्ड जमा है, पुलिस जो कलेक्ट करके ले गया है। और आपका कुछ ऐसा कुछ अभी कुछ रिपोर्ट नहीं दिया मेरे को। क्या उनका हत्या कर दिया गया? क्या लग रहा है हत्या किया गया? क्योंकि हम जब ऊपर जाके देखे तो वो हम जाके देखे ऊपर बेड में वो पड़ा हुआ है, और उसका बाएं हाथ का तरफ गन गिरा हुआ है। दरवाजा अगर वो गन मारते अपना खुद से तो गन दाहिना हाथ के तरफ रहना चाहिए। तो गोली गोली कहाँ लगा था आप देखे थे? गोली या माथा पे लगा। ये गोली था कुछ देखे है था? दरवाजा हम जब आए तब हमको रूम में बिठाया, उसके बाद गया तो दरवाजा खुला हुआ था। आपको किसी पे शक है क्या? शक तो है, जो था उसको। देखिए अगर कोई लड़की भी आता है अपना बॉयफ्रेंड के साथ में तो कोई मर्डर करने का एसी से होटल में नहीं आएगा, कोई भी मर्डर करने का एसी होटल में नहीं आएगा। वो मर्डर करने के होटल में आएगा तो गन क्यों लेके आएगा? सबसे बड़ा बात, होटल में आएगा तो गन क्यों लाएगा? क्या नाम था आपका भाई का? रोहन प्रसाद राम। क्या करता है आपका भाई? वो आप कॉलेज में पढ़ता, कुर्ती कॉलेज में। आपको क्या लग रहा है कि उसका हत्या कर दिया गया? हाँ, मर्डर हुआ है सर, मर्डर। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम उत्तम राम है, होटल का साहब। हमारा हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन करने का वजह यही है कि आसनसोल उत्तर विधानसभा में जो राज राजेश्वरी होटल है, यह राज राजेश्वरी होटल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के SP साहब के ऑफिस से 100 मीटर के दूर पे है। तो और यहाँ पे हम लोगों ने सूत्रों के अनुसार सुना कि यहाँ 306 नंबर रूम में एक मर्डर हुआ। तो इस मर्डर का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन है या होटल एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई और है, या फिर ये जानबूझकर
इनलीगल चीज़ों को, इनलीगल कामों को यहाँ पनपाया जा रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? आप लोग के माध्यम से ये पूछना चाहते, ये तो पुलिस प्रशासन पे अपने आप में सवाल खड़ा करती है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसपी साहब के ऑफिस के ठीक बगल में ऐसा इंसिडेंट होता है और उसका जवाबदेही कोई नहीं। इसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। इसके साथ साथ राज राजेश्वरी होटल जो वार्ड नंबर 55 कुमारपुर में है उसको बंद करना होगा। देखिए घटना ये हुआ है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राजेश्वरी होटल ये वार्ड नंबर 54 में आता है लेकिन कुमारपुर में आता है। इस होटल में काफ़ी दिनों से इलीगल एक्टिविटी होता है। इस होटल में जिससे फरोशी का धंधा होता है, यहाँ इस होटल का जो मालिक है, हम लोग कई बार कंप्लेन भी किए हैं प्रशासन को भी, यहाँ के लोकल लीडर को भी कंप्लेन किए हैं कि होटल को तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ओयो के माध्यम से अलग अलग जिला से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं, झारखंड से, बिहार से, और छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पे बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, पूरे आवाम चाहते हैं कि इस होटल को सील किया जाए। जैसे कि आज एक घटना हुआ है कि यह इस होटल में किसी बच्ची का मर्डर कर दिया गया है, हम लोगों को खबर मिला है गोली मारा गया है, प्रशासन इसका जांच कर रही है, लेकिन हम लोग इस होटल को इमीडिएट सील कर रहे हैं और इसको बंद करने का हम लोग प्रशासन से और यहाँ के लोकल लीडरशिप और मंत्री साहब से हम लोग कहते हैं कि इस होटल को सील किया जाए। सिराज राजस्थान। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से दो रोजा अदबी व शकाफती प्रोग्राम का इनाकाद किया जा रहा है। आज ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के मेंबर शकील अनवर और कहकशा रियाज ने दी। शकील अनवर ने कहा कि 24 फरवरी को क्विज कंपटीशन, ड्रामा फेस्टिवल और कौमी मुशायरे का अहतमाम किया गया है, जबकि 25 फरवरी को सिट एंड ड्रॉ कम्पटिशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होगा। वहीं कहकशा रियाज ने कहा कि क्विज कम्पटिशन 9 और 10 के बच्चों के लिए है और ड्रॉइंग कम्पटिशन 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। इस मौके पर नजीर अहमद यूसुफी को महबूब अनवर अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। प्रोग्राम की सदारत राज्यसभा मेंबर मोहम्मद नदीमुल हक करेंगे। उर्दू एकेडमी का ये आसनसोल ब्रांच है। इस आसनसोल ब्रांच के जरिए हम लोग जो है 24 और 25 फरवरी को कल उर्दू कल्चरल प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में 24 तारीख को दो रोजा प्रोग्राम है। 24 तारीख का जो प्रोग्राम है आपका वो सैटरडे पड़ता है, 12 बजे दिन से है, उसमें क्विज मुकाबला है। उसी दिन शनिचर 24 फरवरी को ड्रामा फेस्टिवल है दोपहर 2 बजे, और उसी दिन शनिचर 24 फरवरी लास्ट प्रोग्राम है मुशायरा का, कौमी मुशायरा, शाम 6 बजे। दूसरा दिन जो है इतवार पड़ता है 25 फरवरी, उसमें जो एक ही प्रोग्राम है, सीट एंड ड्रा मुकाबला और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज एंड अवार्ड्स। इसके अलावा हम लोग 24 तारीख को प्रोग्राम तमाम, ये कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी करेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी में अभी राज्यसभा के जो एमपी हैं और हमारे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरपर्सन हैं जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब, वो आएंगे इनोग्रेशन कमेटी में। और इनोग्रेशन कमेटी का वो जो पूरा संचालन जो है उन्हीं की सदारत में होगा। उसमें चीफ गेस्ट के हैसियत से श्री मुलाय घटक लॉ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, और ऑनररी गेस्ट में श्री तापस बनर्जी चेयरमैन एडीडीए, और श्री विधान उपाध्याय आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एमएलए मेयर साहब, डिप्टी मेयर में जनाब वसीमुल हक है और श्री अभिजीत घटक हैं। उस दिन जब प्रोग्राम होगा, वेलकम स्पीच हमारे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में चेयरमैन फंक्शन सब कमेटी जनाब सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन हैदर साहब, वो जो है वेलकम स्पीच करेंगे। और उसी इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन या तकसीम असनाद के दिन हम लोगों ने आसन मगरबी बंगाल का उर्दू एकेडमी जो आसनसोल ब्रांच में जो है, एक हर प्रोग्राम में हम लोग एक महबूब अनवर, एक हमारे यहाँ शायर थे महबूब अनवर, बर्नपुर के बहुत बड़े शायर थे, उन्हीं की याद में जो है हम लोग एक अवार्ड देते हैं। हाँ, तो इस बार अवार्ड हम लोगों की तरफ से जो है जो प्रपोजल किया था
नज़ीर अहमद यूसुफी साहब जो है इन दिनों बहुत ही हमारे यहाँ कोहना मैंने बहुत पुराने शायर हैं, पुराने अफसाना निगार है, फिक्शन राइटर हैं और बहुत बुजुर्ग टाइप के हैं। हाँ जी, नज़ीर अहमद यूसुफी साहब को जो है हम लोग उस दिन सम्मानित करेंगे और महबूब अनवर अवार्ड देंगे उसी सेरेमनी में। ये दो रोज़ा प्रोग्राम है। आप तमाम प्रेस मीडिया से हमारी अपील है कि आप लोग इस प्रोग्राम को हाईलाइट करें और उस दिन भी आए। तमाम लोगों को जो है स्कूल्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फॉर्म। क्विज़ कंपटीशन जो है वो 9 और 10 के बच्चों के लिए हैं और ड्राइंग कंपटीशन, सेट एंड ड्रॉ कंपटीशन वो 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में जो है नर्सरी टू 1, ग्रुप बी में क्लास 2 to 4 है और क्लास ग्रुप सी में हमारे क्लास 5 to 7 बच्चे, 7 के बच्चे हैं। तो करीब सिट एंड ड्रॉ में 300 बच्चे हो जा रहे हैं और क्विज़ कंपटीशन में अभी फॉर्म्स आ रही है सब तमाम स्कूलों से, तो अभी अप्रॉक्सीमेट हम लोग गेस नहीं कर पा रहे लेकिन बच्चे कम से कम 200 होंगे। प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कम्पेशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट में। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, एसपी गोरा रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाएं अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। यार एक बात पूछू? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूढ़ा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। मीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs,
ICU, NICU, HDU, Pharmacy 24/7, Daycare Unit, Dialysis Unit, Dental Unit, Diagnostic and Pathological Service. With fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़ आसनसोल 713304. Contact number 9123873265 9609202666 6295280255. अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ. आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ. आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा. तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान. हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल. अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड. कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं. हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन. हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर. क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज. वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस. इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए. मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए. एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल. प्रबंधक कमेटी के पूरे प्रतिनिधि और बनपुर गुरुद्वारा के तरफ से सिखों की एक आवाज़ बन के आज हम भगत सिंह चौक पे पहुँचे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल के बीजेपी पार्टी के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने संदेश खाली में वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ गए थे. वहाँ पर ही पुलिस अधिकारियों की तरफ से, जो पुलिस को वहाँ पर ड्यूटी में तैनात किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ में, पता नहीं उस शुभेंदु अधिकारी के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ पर ही राज्य के एक IPS ऑफिसर जसप्रीत सिंह जी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी पगड़ी को देखते हुए जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे बखूबी, तो उन्होंने बड़ा ही आपत्तिजनक उनको एक जो डायलॉग शुभेंदु अधिकारी के मुँह से निकला कि है खाली स्थानी तू यहाँ से हट. हम आज उसी जो उन्होंने उनके तरफ से जो ये इस तरह की आपत्तिजनक बात उन्होंने एक सिख कम्युनिटी की पगड़ी को देखते हुए जो कटास की है, उसका हम विरोध दर्ज कराने के लिए बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आज हम भगत सिंह चौक पे पहुँचे हैं कि शुभेंदु अधिकारी सामने आए और पूरे भारतवर्ष में बसती हुई सिख कम्युनिटी के पास में वो बढ़ चढ़ कर आके वो अपनी बात को वापस ले और सिखों से माफ़ी मांगे. अगर वो समय रहते हुए अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं
तो आज इस लेवल पे हम लोगों ने आज अपना धरना प्रदर्शन किया या विरोध दर्ज कराया है, तो कल इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ में, जो हमारे बीजेपी पार्टी के ऑपोजिशन के नेता है पश्चिम बंगाल के, उनके खिलाफ क्यों उन्होंने इस तरह की जो आपत्तिजनक बात एक सिख को देखते हुए और उनकी पगड़ी को, हमारी आइडेंटिटी को देखते हुए उन्होंने जो आज हमारे पूरे सिख कम्युनिटी को नीचा दिखाया है, ये शुभेंदु अधिकारी की बात को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आप मीडिया के मार्फत से चाहते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल की जितने भी बीजेपी पार्टी के आला कमान है वो बीजे इसको एक निर्देश जारी करे शुभेंदु अधिकारी को कि वो तुरंत इस पे खेद जताएं और पूरी सिख कम्युनिटी से वो माफ़ी मांगे। और हम आप मीडिया के मार्फत से पूरे सिख कम्युनिटी को संदेश दे रहे हैं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप हमारे भारत के लॉ के हिसाब से 295 में जाके उनके खिलाफ अपने लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं, ताकि कानून के तहत भी उनके ऊपर में हम सिख कम्युनिटी की तरफ से उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी करा सके। और हम अपनी पूरी सिख कम्युनिटी से अपील करेंगे कि पूरे पश्चिम बंगाल में इससे ऊंचे लेवल पर आप प्रदर्शन करो, ताकि उसे मजबूर कर दो इस तरह की बात बोलने वाले शुभेंदु अधिकारी को कि वो जल्द से जल्द सिखों से माफ़ी मांगे। और जसप्रीत सिंह से खास करके एक सिख होने के नाते, मैं पुलिस अधिकारी होने के नाते नहीं कहूँगा, लेकिन एक सिख होने के नाते जसप्रीत सिंह जी से वो माफ़ी मांगे, तभी जाके ये हमारा प्रदर्शन बंद होगा। नहीं तो हम इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे और उसे मजबूर कर देंगे शुभेंदु अधिकारी जी को कि वो सिखों से माफ़ी मांगना पड़ेगा ही उन्हें। आज के हमारा गेछिलम हमारे आसनसोल साउथेर विधायिका अग्निमित्र पालेर बाड़ीते हमारा रिटर्न एक हैंड लेटर अपना गुरुद्वारा लेटर पैडे उनके दिए लिखित कि हमारे मैसेजा बीजेपी आज के हमारा बंटपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैनर तोलाय हमारा सब सिख कम्युनिटी आज के एखे भगत सिंह मोड़ और हमारे एखे आसनसोल साउथ MLA अग्निमित्र पाल बाड़ी आगे एक डेपुटेशन दिए आज के सन्देशकाली जावर समय शुभेंदु अधिकारी जे कि बीजेपी अपोजिशने बीजेपी पार्टी एक लीडर आछेन और स्टेटर अपोजिशने लीडर आछेन सन्देशकाली जावर समय একটা IPS অফিসার যে কি যার নাম জসপ্রীত সিং হি ওয়াজ পারফর্মিং হিজ ডিউটি ওই ডিউটি করতে সময় উনকো জিস তরহ সে শুভেন্দু অধিকারী নে খালিস্তানি বোলকে ট্যাগ লাগাকে উনকি পগড়ি কো দেখতে হুয়ে ইয়ে বোলা কি এই খালিস্তানি তুম হটো বিচ সে ইয়ে পুরি সিখ কমিউনিটি কে উপর এক দাগ হ্যায় অর এক বহুত বড়া ব্লেম হ্যায় জো শুভেন্দু অধিকারী নে পুরি সিখ কমিউনিটি কে উপর লাগায়া হ্যায় हम बंटपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पश्चिम बर्धमान की सारी सिख कम्युनिटी की तरफ से आज अपना एक एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शुभेंदु अधिकारी पूरी सिख कम्युनिटी से माफ़ी मांगेंगे। अगर वो समय रहते अगर सिख कम्युनिटी से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में हम नेशनल हाईवे और जो डिस्ट्रिक्ट की जो पार्टी ऑफिस है BJP की उसका भी घेराव करेंगे और पूरे पश्चिम बंगाल के सिख और पूरे ऑल ओवर इंडिया के सिखों को हम गुजारिश करेंगे कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस जो स्टेटमेंट के बाद भी अगर वो हमारी कम्युनिटी से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो अपने अपने निजी पैडों पे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभा सोसाइटी हैं वो अपने पैड पे एक रिटर्न कंप्लेन अपने अपने लोकल थाने में अपने DC साहब अपने CP साहब को दे और उनके ऊपर FIR लॉन्च करवाएँ ताकि उन्हें उनको जो भी लीगल एक्शंस हैं उनके ऊपर हो। हम फिर भी उम्मीद करते हैं और आशावादी हैं और आशा करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट उन्होंने सिख कम्युनिटी और खास IPS ऑफिसर जसप्रीत सिंह के ऊपर दिया है, जो खालिस्तानी एक पगड़ीधारी ऑफिसर को खालिस्तानी बोलना मतलब उनकी आइडेंटिटी और उनके ऊपर शक की निगाह से देखना और हमें उग्रवादियों से तुलना करना। अगर हम उग्रवादी हैं तो 20% जो सिख आज बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं हमें सबको क्या कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, हमें आतंकवादी घोषित किया गया है। तो जो ये खालिस्तानी वर्ड सिखों के लिए खास इस्तेमाल किया जाता है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम दिल से हिंदुस्तानी हैं और हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। भारत माता की जय। बोले सोनेहा। मेरा नाम परमजीत सिंह, मैं बंटपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रवक्ता। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल ग्रीन आसनसोल।